इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पावर सिस्टम में बस बार क्या होता है और कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिकल बस बार एक कंडक्टर और ग्रुप ऑफ कंडक्टर होता है जिसका यूज़ इनकमिंग फीडर से इलेक्ट्रिक पावर को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है इन वर्ड्स बस बार एक टाइप का इलेक्ट्रिकल जंक्शन होता है जहाँ पर इनकमिंग एंड आउट गोइंग इलेक्ट्रिक करेंट मिलती है दस द इलेक्ट्रिकल बस बार कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिक पावर एट वन लोकेशन बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए आइसोलेटर एंड सर्किट ब्रेकर्स का यूज़ किया जाता है जब फॉल्ट ऑकर होता है तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप ऑफ हो जाता है एंड बस बार से फॉल्टी पार्ट को ईजिली डिसकनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल बस बार डिफरेंट सेप एंड साइज कॉन्फ़िगरेशन में आता है लाइक सेक्शनल रेक्टेंगुलर राउंडेड एंड मेनी अदर सेप्स ऑफ बस बार आर अवेलेबल पावर सिस्टम में मोस्टली रेक्टेंगुलर बस बार का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल बस बार को मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है पावर सिस्टम को मोर इफिशियट बनाने के लिए डिफरेंट टाइप से बस बार का अरेंजमेंट किया जाता है एंड बस बार का जो सलेक्शन है वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड रहता है लाइक रिलायबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी एंड कॉस्ट देर आर फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल कंसिड्रेशन फॉर सेलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर बस बार बस बार का अरेंजमेंट सिंपल होना चाहिए ताकि ईजिली उसका मेंटेनेंस हो सके ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ बस बार उसका कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए एंड बस बार का जो इंस्टॉलेशन है वो चीप होना चाहिए उसको इंस्टॉल करने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आना चाहिए इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके बस बार को सब में इंस्टॉल किया जाता है इस्मोल सब स्टेशन जो रहता है जहाँ पर कंटीन्यूटी ऑफ सप्लाई इसेंशियल नहीं होता है तो वहाँ पर सिंगल बस बार का यूज किया जाता है लेकिन लार्ज सब स्टेशंस में एडिशनल बस बार का यूज करते हैं ताकि सप्लाई में इंटरप्सन ओकर न हो सके एंड पावर सिस्टम सप्लाई कंटीन्यूटी बना रहे सो बस so, बार के डिफरेंट अरेंजमेंट को डिटेल में समझते हैं फर्स्ट वन इज सिंगल बस बार अरेंजमेंट इस टाइप के बस बार का जो अरेंजमेंट है वो काफ़ी सिंपल होता है इस सिस्टम में स्विच के साथ ओनली वन बस बार प्लेस्ट रहता है जिसके साथ ऑल सब स्टेशन इक्विपमेंट्स कनेक्ट रहता है लाइक ट्रांसफॉर्मर जनरेटर, फीडर्स एक्सेट्रा अगर सिंगल बस बार अरेंजमेंट करते हैं तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होता है लाइक इसमें इनिशियल कॉस्ट कम लगता है इसमें लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है इसका ऑपरेशन काफ़ी सिंपल होता है इस टाइप के अरेंजमेंट का मेन ड्रॉबैक क्या होता है कि ड्यूरिंग फॉल्टी कंडीशंस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है मतलब इस टाइप के बस बार में अगर किसी रीजन से फॉल्ट होकर होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई का जो कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस टाइप का अरेंजमेंट लेस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट का यूज़ स्मोल सब स्टेशन में किया जाता है नेक्स्ट है सिंगल बस बार अरेंजमेंट विथ बस सेक्शनलाइज्ड इस टाइप के बस बार अरेंजमेंट में सर्किट ब्रेकर एंड आइसोलेटिंग स्विचेस का यूज किया जाता है जहाँ पर जो आइसोलेटर है वो बस बार के फोल्टी सेक्शन को डिसकनेक्ट करता है जिससे वहाँ पे कंप्लीट शटडाउन नहीं होता है हेल्दी पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंटिन्यू रहता है इस टाइप के अरेंजमेंट में वन एडिशन सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं जो कि सिस्टम को कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है बस बार में इस टाइप का अरेंजमेंट करेंगे तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलता है इस टाइप के अरेंजमेंट अगर हम लोग करते हैं तो जो फॉल्टी सेक्शन है वो रिमूव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटर एंड जो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई है वो कंटिन्यू रहता है इन द हेल्थ पार्ट एंड सप्लाई सिस्टम को विदाउट डिस्टर्ब किए इसका जो इंडिविजुअल मेंटेनेंस है वो पॉसिबल है इसमें इस टाइप के सिस्टम में करेंट लिमिटिंग रिएक्टर का यूज करते हैं जिससे फॉल्ट ऑकर होने का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है नेक्स्ट है मेन एंड ट्रांसफ़र बस अरेंजमेंट इस टाइप के अरेंजमेंट में दो टाइप का बस बार यूज होता है मेन बस बार एंड द ऑक्लरी बस बार एंड बस बार के साथ बस कपलर अटैच रहता है जो कि आइसोलेटिंग स्विचेज को एंड सर्किट ब्रेकर्स को बस बार से कनेक्ट करता है इसमें कपलर का एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है ड्यूरिंग ओवरलोडिंग लोड को वन बस से दूसरे बस में ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट है डबल बस डबल ब्रेकर अरेंजमेंट इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए दो बस बार एंड दो सर्किट ब्रेकर्स का रिक्वायरमेंट होता है एंड इसमें एनी एडिशनल इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है लाइक बस कपलर एंड स्विच इस टाइप का अरेंजमेंट जो रहता है वो मैक्सिमम रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें फॉल्ट एंड उसका मेंटेनेंस जो है वो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई को डिस्टर्ब नहीं करता है नेक्स्ट है सेक्शनलाइज्ड डबल बस बार अरेंजमेंट इस टाइप के बस बार अरेंजमेंट में सेक्शनलाइज्ड बस बार जो रहता है वो ऑक्सिलरी बस बार के साथ कनेक्ट रहता है एंड ड्यूरिंग देयर मेंटेनेंस बस बार का एनी सेक्शन रिमूव हो सकता है एंड वो एनी ऑक्सिलरी बस बार से कनेक्ट हो सकता है लेकिन जब हम लोग इस टाइप का अरेंजमेंट करते हैं तो जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है नेक्स्ट है वन एंड हाफ ब्रेकर अरेंजमेंट इस टाइप के अरेंजमेंट में थ्री सर्किट ब्रेकर्स का रिक्वायरमेंट होता है फॉर टू सर्किट्स ईच बस बार का जो सर्किट रहता है वो वन एंड हाफ सर्किट ब्रेकर का यूज़ करता है इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लार्ज सब में प्रिफर्ड होता है मगर पावर हैंडल पर सर्किट इज़ लार्ज इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लॉस ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसमें बस बार का जो पोटेंशियल रहता है उसका यूज़ रिले को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है इस टाइप के अरेंजमेंट में एडिशनल सर्किट को सिस्टम से इजिली एड किया जा सकता है रिंग अरेंजमेंट इस टाइप के अरेंजमेंट में बस बार का जो एंड रहता है उसके साथ स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट रहता है जिससे एक रिंग फॉर्म होता है इस टाइप का अरेंजमेंट दो पाथ प्रोवाइड करता है टू फॉलोइंग द सप्लाई जिससे जो फॉल्ट है वो वर्किंग को अफेक्ट नहीं करता है नेक्स्ट है मेस अरेंजमेंट इस टाइप के बस बार अरेंजमेंट में जो सर्किट ब्रेकर्स है वो मेस फॉर्मड में इंस्टॉल्ड होता है एंड जो सर्किट है वो टैप्ड रहता है फ्रॉम द नोड पॉइंट ऑफ द मेस सच टाइप ऑफ बस अरेंजमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय फोर सर्किट ब्रेकर्स जब बस बार के एनी सेक्शन में फॉल्ट अगर हो होता है तो दो सर्किट ब्रेकर्स ओपन होता है जिससे मेस ओपन होता है सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी अगेंस्ट द बस वार फॉल्ट बट लैक्स स्विचिंग फैसिलिटी इस टाइप का अरेंजमेंट वहाँ पे प्रीफर्ड होता है जिस सब स्टेशन में नंबर ऑफ सर्किट लार्ज होता है तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें